हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक क्रोशिए सिक्के बनाई है, ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये मैंने पोंचो के साथ बनाई है। ये मैंने इस पे फ्लावर लगाया है, सेम पोंचो जैसा ही जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये मैंने 3-ply की वूल ली है, पिंक कलर की, और 3 mm का क्रोशिया लिया है। अब इसमें हम एक नोट लगाएंगे और हम 6 chain बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 chain बना ली है। अब इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे हम। ये हमने इसको बंद कर दिया है, एक सर्कल बन गया है। अब हम 2 chain बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 2 chain बना ली है। अब हम इसमें 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे विद चेन। चेन को मिलाकर हमारे पास 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक हमने चेन बनाई है और 17 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं, ये टोटल 18 हैं। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। और अगली रो शुरू करेंगे। अब हम फिर से 2 chain बनाएंगे और जो हमने चेन बनाई है उसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हमने उसी होल में डाला है और ये डबल क्रोशिया बन गया है। हमारे पास ये टोटल 2 हो गए हैं विद चेन। अब हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जैसे होल हैं तो इनमें हर एक में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर से ऐसे ही दो चेन बनाएंगे और उसी होल में बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी में हम फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले होल में हम फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हमने थर्ड रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब हमारी फोर्थ रो स्टार्ट हो जाएगी, उसमें भी हम दो चेन बनाएंगे, उसी जगह फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये रो हमें ऐसे ही बनानी है, हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें एक या दो कोई अलग से नहीं बनाना है, ऐसे ही हर एक चेन में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ना घटाना है इसमें ना बढ़ाना है, इसमें बस ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो को हर एक में एक डबल क्रोशिया डालते हुए हर एक में हमने डबल क्रोशिया बनाना है और कंप्लीट कर लेना है रो को। ऐसे करते हुए रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारी फिफ्थ रो स्टार्ट हो जाएगी। ये फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रो हमारी थर्ड रो के जैसे ही बनेगी, दो चेन बनाएंगे, फिर उसी जगह क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और अगली चेन में हम फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है, हमने जितने फंदे बढ़ाने थे हम इसमें बढ़ा चुके हैं, अब और हम नहीं बढ़ाएंगे, अब सिंपल बनेगी। ऐसे ही हर एक में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक चेन में फिफ्थ रो के बाद जो हमारी सिक्स्थ रो स्टार्ट होगी उसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमने कंप्लीट कर ली है। फिफ्थ रो के बाद हमने कुछ भी बढ़ाए नहीं है इसमें फंदे, जितने थे उतने ही हैं। ये हमने टोटल 14 रो बनाई हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने 14 रो बना ली हैं। अभी हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, जो कैप का बॉर्डर होता है उसको बनाएंगे। हम ये 14 रो कंप्लीट कर लेनी है, फिफ्थ रो तक हमें फंदे बढ़ाने हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। आप डिज़ाइन को जैसे चाहें, जैसे मैंने इसमें दो रो वाइट की बनाई हैं बीच बीच में, अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहें सिंपल भी बना सकते हैं। ये मैंने तीन चेन बना ली हैं। अभी ये जो फंदा है, ये डबल क्रोशिया है, इसको आगे की तरफ इसके बीच में से ऐसे लेके जाते हुए एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम पीछे से डबल क्रोशिया डालेंगे ऐसे, और एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, एक हम आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
ये हमारा बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया है। आप जितना चाहे उतना चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने इसकी 3 रो कंप्लीट की हैं। अब इसको ऐसे बनाते हुए 3 रो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहे 4 बना सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। ये कैप हमारी कंप्लीट हो गई है। हम इस पे एक फ्लावर भी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो इसमें ना बनाएं। ये कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये कैसे बनी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पे मैंने फ्लावर लगाया है, जैसे मैंने पोंचों में बनाया था सेम वही उसी तरीके से बनाया है। ओके, थैंक यू।